तो गाइज आज हम इस वीडियो के जरिए एक झलक देखने वाले हैं उन मूवीज और सीरीज की जो आप सभी को हिंदी डब में अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थिएटर और वोट सर्विस पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको 5 अप्रैल को बेबीलोन की हिंदी डब वर्जन देखने को मिलेगी बुक माई शो के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आप इसे बाय या रेंट करके देख पाएंगे। उसके बाद 7 अप्रैल को आपके नजदीकी थिएटर में द पॉप्स एग्जोसिस्ट देखने को मिलेगी हिंदी तमिल तेलुगु डब में। और इसके बाद आप सभी को द सुपर ब्रोज मारियो देखने को मिलेगी हिंदी डब में आपके नज़दीकी थिएटर में। तो चलिए आप जानते हैं कि एमएक्स प्ले पर आपको हिंदी डब में क्या क्या देखने को मिलेगी अप्रैल के महीने में। तो फर्स्ट नंबर पर है फॉल इन लव, जो आप सभी को 1 अप्रैल को देखने को मिलेगी हिंदी डब में, जो अब जाकर रिलीज हो चुकी है। और उसके बाद 8 अप्रैल को माई डिपेट ओपोनेंट सीजन 2 की हिंदी डब एपिसोड देखने को मिलेगी एमएक्स प्ले पर। और इसके बाद 12 अप्रैल को द सॉन्ग ऑफ ग्लोरी की सीजन 1 हिंदी डब में देखने को मिलेगी। और उसके बाद 19 अप्रैल को हिंदी डब में देखने को मिलेगी कोर्ट लेडी। और उसके बाद लास्ट नंबर पर है चाइनीज की फैंटेसी ड्रामा नोवलैंड ईगल फ्लैक्स है, जो आप सभी को हिंदी डब में 26 अप्रैल को एमएक्स प्ले पर देखने को मिलेगी। तो अब चलिए जानते हैं कि प्राइम वीडियो पर हमें अप्रैल के महीने में क्या क्या देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट नंबर पर है मिसेज मेसेल की सीजन 5, जो आप सभी को 14 अप्रैल को देखने को मिलेगी प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर है सिटाडेल, जो आप सभी को वीकली बेसिस के तौर पर 28 अप्रैल से हिंदी डब के अलावा तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ जैसे डब लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी। तो अब चलिए जानते हैं कि क्या क्या हमें नेटफ्लिक्स पर अप्रैल के महीने में हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट नंबर पे है वॉर सेलर, जो एक लिमिटेड टाइप की वॉर ड्रामा सीरीज है, जो आप सभी को हिंदी डब में 2 अप्रैल को देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको एक फैंटेसी एडवेंचर टाइप की मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है चुपा, जो आप सभी को हिंदी डब में 7 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। और इसी दिन आपको ट्रांसएटलांटिक की सीजन 1 हिंदी डब में देखने को मिलेगी, जो एक लिमिटेड पीरियड ड्रामा टाइप की सीरीज है। और इसके अगले दिन आपको एक कॉमेडी ड्रामा टाइप की सीरीज देखने को मिलेगी जिसका नाम है बीप, जिसकी सभी एपिसोड आपको हिंदी डब में 8 को देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको 13 अप्रैल को हिंदी डब में फ्रीडम मैन की सीजन 1 देखने को मिलेगी, जो एक मिस्ट्री थ्रिलर क्राइम ड्रामा टाइप की लिमिटेड सीरीज है। और इसके बाद आप सभी को सेम डे यानी 13 अप्रैल को ही ऑब्सेशन देखने को मिलेगी, जो एक लिमिटेड एरोटिक थ्रिलर टाइप की सीरीज है। और इसके अगले दिन यानी 14 अप्रैल को आपको एक कोरियन ड्रामा हिंदी डब में देखने को मिलेगी जिसका नाम है क्वीन मेकर। और सेम डे यानी 14 अप्रैल को ही आपको द लास्ट किंगडम की एक मूवी देखने को मिलेगी जिसका टाइटल है 7 किंग्स मस्ट डाई, जो आप सभी को हिंदी तमिल तेलुगु डब में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको 19 अप्रैल को माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स की एक मूवी देखने को मिलेगी हिंदी डब में। और इसी दिन आपको द मार्क हार्ट की सीजन 2 हिंदी डब में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको 21 अप्रैल को अ टूरिस्ट गाइड टू लव देखने को मिलेगी हिंदी डब में, जो एक रोमांटिक ड्रामा टाइप की मूवी है। और उसके बाद आप सभी को 27 अप्रैल को फायरफ्लाई लेन की सीजन 2 की पार्ट 2 की सभी एपिसोड हिंदी डब में देखने को मिलेगी। और सेम डे आपको शार्क डॉग की सीजन 3 हिंदी डब में देखने को मिलेगी। और इसी दिन आपको स्वीट टूथ की सीजन 2 देखने को मिलेगी हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर। तो यही मूवी जो सीरीज है जो फिलहाल के लिए आपको हिंदी डब में अप्रैल के महीने में देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा और भी मूवीज और सीरीज आपको हिंदी डब में अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगी, फिलहाल उनकी डबिंग की कंफर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है। तो जैसे मिलेगी तो मैं आपको इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।